नमस्कार, मैं हूं प्रखर प्रकाश मिश्रा और आप देख रहे हैं शख्सियत। आज हमारे संग एक खास मेहमान मौजूद हैं जिन्होंने खेल की दुनिया से लेकर राजनीति तक की दुनिया का सफर तय किया है और कई बार मैन ऑफ द मैच रहे हैं और इस बार दरभंगा से मैन ऑफ द मैच बन के आए हैं और एक बार फिर लोकसभा में हैं। विरासत में राजनीति मिली, नाम है कीर्ति आजाद, मेरे साथ मौजूद हैं। बीजेपी नेता और दरभंगा से सांसद कीर्ति आजाद का जन्म 2 जनवरी 1959 को हुआ था। बिहार के पूर्णिया में जन्मे कीर्ति आजाद ने अपने करियर की शुरुआत क्रिकेट से की थी। कीर्ति आजाद को राजनीति विरासत में मिली। उनके पिता भगवत झा आजाद कांग्रेस के वरिष्ठ नेता थे और वो बिहार के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। कीर्ति आजाद की प्रारंभिक शिक्षा दिल्ली से हुई है। वो दिल्ली के गोल मार्केट से विधायक भी रह चुके हैं। बीजेपी के टिकट पर तीसरी बार सांसद बने कीर्ति आजाद की बिहार में अपनी अलग पहचान है। ब्यूरो रिपोर्ट, साधना न्यूज। कीर्ति भाई, कितना बड़ा ये मैच था जब दोबारा रिपीट किया दरभंगा से, क्योंकि दरभंगा से कोई दोबारा जीत के नहीं आता। तिबारा हुआ हमें, इससे पहले जो लोग लड़ते थे एक बार लड़ करके फिर दोबारा जाते नहीं थे। केवल वहाँ पे फातमी थे जो जीते हैं और मैंने पूरे 5 साल पूरे किए। उनका बीच में एक टर्म 13 महीने का भी था और फिर 96 से 98 का भी था। तो मेरे लिए कोई भी चैलेंज है, कोई भी, मैं चुनौती की तरह लेता हूँ। पहले यहाँ पर MLA था 93 से 98 तक में, फिर पार्टी ने कहा आपको वहाँ जाना पड़ेगा। शहर में रहने वाला व्यक्ति गांव में जाए। पिताजी ने एक चीज़ ज़रूर अच्छी करा दी थी कि जब हम छोटे थे और नाना के घर पटना जाया करते थे गर्मियों की छुट्टी में, तो वो 7 से 10 दिन गांव ले जाते थे, लोटा लेके मैदान फिरने जाओ और इनार पे नहाओ। इनार मतलब कुएँ पे नहाओ। हैंडपम्प तो बहुत बड़ी लग्जरी थी, कोई जानता भी नहीं था। ये मैं बात कर रहा हूँ आपको लगभग 66, 67, 68 के आसपास की। तो वह एक जो उन्होंने गांवों से जोड़ करके रखा, ट्रेनिंग जो मिली, और कोसते थे हम लोग मन ही मन ये क्या करवाते, ये क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। लेकिन आज समझ में आता है कि क्यों कर रहे थे। अब दरभंगा का कर्जा चुकाना है, क्या क्या आप सेंटर से लेके दरभंगा जाना चाहते हैं? प्रखर, दरभंगा मेरा ससुराल है, तो ससुराल में जब जमाई राजा जाते हैं, जा हूं मैं तो वो जा, तो जमाई को मिथिला में मिलता ही है, उसको बेटे से ज्यादा मान मिलता है। खैर, ये तो हुई हंसी मजाक की बात, लेकिन दरभंगा के लिए बहुत कुछ लेकर के गया हूँ। 2009 से 2014 में 442 प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की सड़कें थीं, सिर्फ 142 इन लोगों ने कंप्लीट किए हैं। इनसे लड़ता रहता हूँ, चिट्ठियाँ लिखता रहता हूँ, लेकिन वहाँ के लोग थेथर हैं। अभी जीतन राम मांझी जो मुख्यमंत्री, जिनको नीतीश जी ने बनाया है, उन्होंने खुद कह दिया सुशासन कुछ नहीं है, यहाँ केवल भ्रष्टाचार है। तो वह सारी बातों को मिला करके बता देता है। वैसे ही मैं 2 तारामंडल बिहार के लिए हुए थे, एक दरभंगा के लिए ले गया, आज तक नहीं बना, 4 साल हो गए। 1000 मेगावाट का सब स्टेशन बनाने के लिए, जिससे कि बिजली आ सके, ट्रांसमिशन आगे हो और डिस्ट्रीब्यूशन ये लोग करें, उसके लिए आज तक जगह नहीं दी, इसलिए वो सब स्टेशन नहीं बन पाया है। उसी प्रकार से तीनों पोखर को जोड़ने के लिए हमारे बहुत ही पुराने ऐतिहासिक जल बॉडी है, हाँ, बहुत अच्छे पोखर है, तालाब जिनको कहा जाता है, और उनके ऊपर दिघी, हराही और लक्ष्मी सागर, उनको बनाने के लिए हमने पैसा यहाँ से भेजा, आज तक उसके ऊपर पैसा नहीं लगाया। NRHM के माध्यम से डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के लिए इनको ज़मीन नहीं मिल रही थी, हमने इनको ज़मीन दिलवा दी, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की कोई वो नहीं हुआ। अभी मैंने सुना है कि शायद जब थोड़ा सा डंडा हम लोगों ने किया है तो उस पर शायद DPR बन रहा है। मैं 6 मेडिकल मोबाइल यूनिट ले गया था। स्वास्थ्य का ऐसा हाल है कि मैं आपको बता नहीं सकता। तो मैं 6 लेटेस्ट स्टेट ऑफ द आर्ट मेडिकल मोबाइल यूनिट ले गया। PIP माध्यम से मैंने यहाँ से केंद्र से 6 की 6 चलाने के लिए स्वीकृति दिला दी। इनके पास पैसा भी पड़ा हुआ, इन्होंने नहीं चलाया। यह परिस्थिति है बिहार के अंदर। आप देखते हैं NRHM का माध्यम से स्वास्थ्य का मामला है, दवाइयाँ मुफ्त में मिलनी चाहिए। फिर सर्व शिक्षा अभियान के माध्यम से हमारे कार्यक्रम वहाँ पर होते हैं, बिहार शिक्षा परियोजना जिसका इन्होंने नाम दिया हुआ है, वहाँ पर बहुत बुरा हाल है। पहली बात तो स्कूल नहीं, जहाँ स्कूल है वहाँ शिक्षक नहीं, और शिक्षक अगर है तो मिड डे मील बनाता है, और मिड डे मील में 80% लोग खा करके बीमार होते हैं। अस्पताल नहीं है, अस्पताल है तो डॉक्टर नहीं है, डॉक्टर है तो दवाई नहीं है, और दवाई है तो वो भी एक्सपायरी वाली है। लेकिन इसीलिए तो परिवर्तन हुआ है पूरे देश के अंदर। एक ऐसी सरकार आई है जिसने कहा हम भ्रष्टाचार समाप्त करेंगे, एक ऐसी सरकार जो कहती है हम अच्छे दिन लाएंगे। मुझे सांस लेने में अच्छा लगता है, क्योंकि मेरे पिताजी बड़े आदर्शवादी व्यक्ति थे, स्वतंत्रता सेनानी थे, 6 बार जेल गए, 150 कोड़े खाए, पाँव में गोली लगी, गिर गए, बेहोश हो गए, जगे, फिश प्लेट्स निकाल रहे थे अंग्रेजों की ट्रेन की, जगे, लोगों ने सोचा मर गए, बेहोश हो गए थे, जगह तो लोगों ने कहा अरे भागो भागो, भागवत उनका नाम तो था, अरे भागो भागो तो आजाद भाग ले, तब
तो वहीं से उनका नाम भागवत झा आज़ाद हो गया। तो मैं उसमें ऐसे पला हूँ, मैं दो चीज़ जानता हूँ, तीसरी चीज़ किसी को दे नहीं सकता, एक सच्चाई और ईमानदारी, उसके अलावा मेरे पास देने के लिए किसी को कुछ नहीं। उसी सच्चाई से मैं जानना चाहता हूँ कि अब आपकी सरकार है, केंद्र में भी आप सांसद हैं, दरभंगा के लिए 2014 और 2015 में ईमानदारी से क्या क्या आप करवा देंगे? अभी सबसे पहला मैंने सबको चिट्ठी लिखी है, मेरे 175 सड़क प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में जो पिछले वर्ष ही अगस्त में हो जाने चाहिए थे, वह गलत तरीके से, जो भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं ना जीतनराम मांझी जी, अभी मुख्यमंत्री हैं, वही भ्रष्टाचार के कारण से नहीं हो सका। हमने चोरी पकड़ ली एक आदमी की, उसके पास कागज नहीं थे चार जो होने चाहिए टेंडर के लिए, उसको दे रहे थे तो हमने रोका था, तो सेकेंड बेस्ट को मिलना चाहिए था, वो नहीं मिला, वो आज तक रुका हुआ है। 442 सड़कें करानी थी मेरे लिए, ये है कि अगर 442 सड़कें होती हैं तो मैं 40-45% अपने दरभंगा क्षेत्र को कवर कर लूंगा, ग्रामीण इलाके को, और वो पूरे एक लक्ष्य के साथ मैं निकला था, चुनौती के साथ निकला था। लेकिन बिहार सरकार में आप जानते हैं, एक बार नीतीश जी आए थे, आईना दिखाया था, उनको यही बात कही थी जो मांझी जी कहते हैं, तो मुझ पर भड़के थे, तो मैं भी भड़क गया था। मैंने कोई चोर नहीं, न चोरी करने का शौक है, न झूठ बोलने का। पूरी आशा है कि ये जो चीज़ें मैंने आपको सेंट्रल गवर्नमेंट वाली बताई हैं वो पूरी होंगी। एक तो इमीडिएटली वहाँ पे मैं इंफॉर्मेशन सेंटर मिथिला की खोल रहा हूँ। मेरे लिए ये लक्ष्य है कि मिथिला की भूमि, आप जानते हैं एक मंत्र होता है, एक तंत्र होता है, अघोड़ की बात नहीं कर रहा हूँ, वो तंत्र की साधना और तंत्र विद्या के लिए मशहूर मिथिला अपने अस्तित्व को रो रही है। आपने कहा कि पराशक्तियों से मुलाकात कराता है मिथिला, और वो पराशक्तियाँ आप तंत्र के माध्यम से जान लेते हैं, ये जो चीज़ें हैं ये कैसे वैज्ञानिक रूप से सामने आएँ, और ये सारी चीज़ों के लिए वैसे तो वहाँ 3 यूनिवर्सिटी हैं, लेकिन जो संस्कृत यूनिवर्सिटी है वो कैसे और कामयाब हो, कैसे भारत की संस्कृति की बातें और वो गूढ़ विद्याएँ जो कि आपको पराशक्तियों से जोड़ती हैं वो कैसे आएंगी सरफेस पे? मैं संस्कृत कमीशन में लिखने वाला हूँ, मेरी आदरणीय डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी जी से बात भी हुई थी और उनसे बताया था कि बड़ी दयनीय स्थिति है, और वहाँ के VC से भी मैं मिला था। मैं चाहता हूँ कि उसको हम सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाएं। संस्कृत 95% भाषाओं की जननी है, संस्कृत में सुपर कंप्यूटर काम करता है। ऐसे में हम लोग भूलते चले जा रहे हैं, सदैव होगा अरे संस्कृत कर रहे हैं तो संस्कृत की बात करो तो आप सांप्रदायिक हो गए, यह मुझे समझ में नहीं आता। माँ कभी सांप्रदायिक नहीं हो सकती, संस्कृत माता है 95% भाषाओं की, वो सांप्रदायिक नहीं हो सकते। और मैं सदैव इसमें विश्वास करता हूँ कि कोई भी धार्मिक चीज़ हो, कोई भी किसी भी मज़हब से जुड़ा हुआ हो, किसी पंथ से जुड़ा हो, यदि वह उसका है तो उसको रखना चाहिए। राम सेतु के ऊपर बात हो रही थी, अगर वह हिंदुओं की आस्था से जुड़ा है तो उसको फिर छेड़ना नहीं चाहिए। मुसलमानों के, सिखों के, ईसाइयों के, जैनों के, बुद्धों के, परम्परा से, उनके धर्म से, उनके मज़हब से जुड़ी कोई भी चीज़ है उसको धरोहर को रखना चाहिए। लेकिन अगर राम सेतु की बात करो तो आप सांप्रदायिक होते हो। लेकिन इस बार तो हुआ है कि राम सेतु को नहीं, यह हमारे देश में सबसे बड़ी चुनौती है जिसको कि हमको करना है। और मुझे प्रसन्नता है कि आज गडकरी जी ने कहा कि राम सेतु नहीं हटेगा, मेरी आस्था को धक्का नहीं पहुंचेगा। उसी प्रकार से जैसे मैं नहीं चाहता कि किसी और धर्म या मजहब की आस्था को धक्का पहुंचे, मेरी आस्था को धक्का नहीं पहुंचेगा, करोड़ों हिंदुओं के आस्था का धक्का नहीं पहुंचेगा। आपने आस्था की बात की, आपका दूसरा धर्म क्रिकेट है, और जब क्रिकेट आहत होता है तो आपका दिल रोता है। क्रिकेट से भ्रष्टाचार ख़त्म हो, खेलों से भ्रष्टाचार ख़त्म हो, ये आवाज़ आपने हमेशा उठाई, पिछले लंबे समय से आप लड़ाई लड़ रहे हैं, क्या कोई उम्मीद जगी है कि अब आपकी सरकार है, और क्योंकि क्रिकेट से भारत का नाम जुड़ता है तो इससे भ्रष्टाचार हटे? उसूलों पर जब आ जाए टकराना ज़रूरी है, जो जिंदा हो तो फिर जिंदा नज़र आना ज़रूरी है। मैं नहीं डरता, खेल विद्या है, माँ सरस्वती है, और माँ सरस्वती का इस प्रकार से उपहास होगा, चोरी डकैती, और वहाँ पे सारे राजनेता चाहे मेरे पार्टी के हों या दूसरे पार्टी के हों, खुल के बोलता हूँ मैं, क्योंकि खिलाड़ी हूँ मैं, भारत माँ की आन बान शान मान मर्यादा के लिए खेला हूँ। विश्व कप 1983 में जीता था, मेरे लिए सबसे सौभाग्य की बात थी कि मेरी भारत माँ का तिरंगा सबसे ऊँचा फहर रहा था। उसमें चोरी डकैती होगी तो नहीं चलेगी। क्या ऐसा कोई विधेयक आएगा कि RTI के तहत BCCI आ जाएगा? बिल्कुल, हमने सुना है, खेल मंत्री ने भी राज्यसभा में कल इसको बयान दिया था, हमने एक प्रश्न लोकसभा में पूछा तो उसके जवाब में उन्होंने कहा है कि हम नेशनल स्पोर्ट्स डेवलपमेंट बिल, और मैं अजय माखन की तारीफ करता हूँ जो कांग्रेस के समय युवा और खेल मंत्री थे, उन्होंने इस बिल को आगे बढ़ाया था, लेकिन उस मंत्रालय में बैठे हुए लगभग 11 ऐसे लोग थे जिनका कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट था, उन्होंने नहीं आने दिया। हालांकि मैंने सुना है कि मनमोहन सिंह जी भी चाहते थे कि आए, तो हम फिर चाहते हैं कि वो आए,
ये जितने एसोसिएशन है आरटीआई में आए, खास करके बीसीसीआई, जब बीसीसीआई अपने आप को पाक साफ कहती है तो आरटीआई आने में क्या है? आप राष्ट्रध्वज फैलाते हो, आप जनगण मन गाते हो, आप जाने इससे जाते हो, आप भारत के नाम करते हो, विदेशों में जाते हो, आपको जब जरूरत पड़ती है आपने ये सारी जमीनें इंस्टीट्यूशनल रेट्स पे ली हुई हैं, और फिर आप आरटीआई में नहीं आना चाहते हो जबकि आप अरबों कमाते हो। वाह भाई वाह, चित भी मेरी, पट भी मेरी, अंटा मेरे बाप का, सोना चलेगा भाई। अभी जो बात राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में कही, प्रधानमंत्री ने कही, आप बिहार को भी क्रिकेट में आगे लाना चाहते हैं, आप काम भी करते हैं, एक एकेडमी भी आप बनाना चाहते हैं, ये कैसे होगा? एकेडमी में नहीं बना सकता। देखिए, कोई ज़रूरी नहीं कि अच्छा खिलाड़ी एक अच्छा कोच हो सकता है, एक अच्छा एक कोच कोई अच्छा खिलाड़ी हो ये भी ज़रूरी नहीं है। लेकिन मैंने बिहार को आगे करने के लिए बहुत प्रयास किया, और क्योंकि मैं मुखर हूँ और सकारात्मक आलोचना बीसीसीआई की करता हूँ, इसलिए बिहार को मान्यता नहीं मिली। मिली तो लालू प्रसाद यादव जी को मिली, और लालू प्रसाद यादव जी को मिली, उसके बाद क्या हुआ, पैसे घपला हुआ नहीं हुआ, मैंने छोड़ दिया हताश होकर। आपका नाम कीर्ति है, कीर्ति निराश नहीं हो सकती, संभव ही नहीं है। लेकिन कीर्ति तो उस मिथिला की भूमि से आते हैं जो त्याग के लिए जानी जाती है। सीता मैया को अग्नि परीक्षा करनी पड़ी, उसके बावजूद उन्हें धरती फट गई और उन्होंने अपना त्याग किया और धरती में समा गई। धरती की बेटी थी, धरती में चली गई, उनके साथ उनका उतना अपहास हुआ। तो त्याग की भूमि से आता हूँ, इसलिए मैंने त्याग किया कि अगर मेरे कारण से बिहार को नहीं मान्यता मिल रही तो कीर्ति आज़ाद साइड पर हटने के लिए तैयार है, लेकिन वहाँ के बच्चे कीर्ति आज़ाद के कारण से सफ़र करें ये मुझे बिल्कुल भी मंजूर नहीं। क्या ऐसा भी हो सकता है कि आपका मिथिला और आपके खास तौर पे दरभंगा सुपर सिटी की कैटेगरी में आ जाए? 3-3 यूनिवर्सिटी हैं, ट्रेन वहाँ तक जाती है, NH है, दो तरफ आप बताते हैं नदियाँ हैं, तो ऐसा भी कुछ है कि इतिहास, टूरिज्म और उसके बाद ये सुपर सिटी हो जाए? आप दो चीज़ें और भूल गए, वहाँ NH भी है और वहाँ पर महाराजा दरभंगा का एयरपोर्ट भी है, और जिस समय लड़ाई चीन से हुई थी उस समय उस एयरपोर्ट से महाराजा दरभंगा के कार्गो प्लेन ने एयरफोर्स की बड़ी मदद की थी, सेनाओं की मदद भी की थी। तो ये सब न भूलें, वो बड़ी परंपरा वाली जगह है। आदि शंकराचार्य भी वहाँ आए थे, और आदि शंकराचार्य जब मंडन मिश्र से लड़ रहे थे और विषय था घी में घड़ा या घड़े में घी, उस समय जब बहुत दिनों तक चलता रहा, पंडित मंडन मिश्र जी ने कहा था अतिथि देवो भव, असली मायने में चरितार्थ मिथिला में होता है, आप मेरे अतिथि हैं, भगवान हैं, इसलिए मैं हार मानता हूँ। तो अंदर से हमारी माँ थी भारती माँ, उनकी पत्नी, उन्होंने कहा कि मैं अर्धांगिनी हूँ, आधा ही हारे हैं आप, मेरे को हराना बाकी। और उन्होंने गृहस्थ के प्रश्न पूछे थे, आदि शंकराचार्य को नहीं मालूम था, उन्होंने शरीर त्यागा था, दूसरे शरीर में गए, गृहस्थ का सब कुछ भोग किया, वापस आए, भारती के चरण छुए, कहे माता धन्य हूँ, आपने मुझे पूर्ण इंसान बनाया। तो उस मिथिला की भूमि से आता हूँ, उस मिथिला जगत जननी जानकी भगवान राम का ससुराल। उस ससुराल का आप किस तरीके से आने वाली पीढ़ियों को एक इतिहास बताएं? मैंने दो चीज़ें की है, एक तो मैं चाहता हूँ कि मिथिला देश था, कोई प्रदेश नहीं था। दो सबसे पुरानी लिपियाँ थीं, आज बंगाल में जो लिपि इस्तेमाल होती है बंगाल, वो मिथिला अक्षर है, और उड़ीसा को, बंगाल को, असम को अगर भाषा मिली तो उसमें बहुत मिथिला का योगदान भी है। सबसे पुराने दो अगर लिपियाँ हैं तो वो मिथिला की है और तमिल अक्षर है, और आज मिथिला को मान नहीं है, क्यों? या तो मिथिला पहले देश था देश बना दें, या हमें प्रदेश दे दें। और हमने ये भी कहा है कि एक अलग से डेवलपमेंट काउंसिल बना दीजिए, या स्पेशल स्टेटस 371 में जो मिलते हैं वो दे दीजिए, क्योंकि हम तो सदैव बाढ़ में डूबे रहते हैं, नदियां तो बराबर एम्बैंकमेंट उसका बराबर जमीन तल पर आ गया, हल्की बारिश होता लगता बाढ़ आ गया है। आज हमको न्याय चाहिए, बिहार पिछड़ा है लेकिन बिहार में मिथिला उससे भी ज्यादा पिछड़ा हुआ है, हम उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं। कीर्ति आजाद का कहना है कि जो वादे किए गए हैं वो पूरे ज़रूर किए जाएंगे, हम निराश नहीं हैं, हताश नहीं हैं, भ्रष्टाचार के लिए अब जगह नहीं है, थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए, आने वाले टाइम में आपको सब कुछ धरातल पर दिखाई देगा। और हम भी ये उम्मीद करते हैं कि आने वाले टाइम के अंदर कीर्ति आज़ाद और उनकी सरकार बेहतर काम करे, अगर नहीं करेगी तो ये हमारी भी जिम्मेदारी बनती है, हम बार बार सवाल उठाएंगे और फिर हम इनस्विंग भी करेंगे और आउटस्विंग भी करेंगे, देखेंगे उस टाइम कीर्ति आज़ाद कैसे खेलते हैं। लेकिन आज कीर्ति आज़ाद ने साफ तौर पे कहा है कि दरभंगा को हम वो सब कुछ देंगे जो वादा किया है। शख्सियत में आज इतना ही, प्रखर प्रकाश मिश्रा को दीजिए इजाज़त, देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप बने रहें साधना न्यूज़ के साथ, नमस्कार, प्रणाम।